बारे में बड़ी बड़ी बात करना आसान है सर, करके दिखाना मुश्किल है। करके दिखाए कोई, उससे मैं मिलूंगा। करके दिखाए एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिना पैसा लगाए करोड़ों रुपए कमा के दिखाए, मैं मिलना चाहूंगा उससे। इतना आसान नहीं है, बोलना मुश्किल आसान है, ये रास्ता है, ये इंडस्ट्री है। थैंक्स बोलो ऊपर वाले को, खुदा को, परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु को, कि तुम्हें इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिल रहा है साहब, देखने का। अरे करो या ना करो छोड़ो, करोड़पति बनो या ना बनो, पर थैंक्स बोलो भगवान को, उसने तुम्हें मौका तो दिया। और मुझे पता है आप सब नहीं बनोगे, आप सब यहां कामयाब नहीं होगे, और होने भी नहीं चाहिए। आप सबको कामयाब होना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सब कामयाब हो गए तो कामयाबी का चसी खत्म हो जाएगा। अगर दुनिया में हर आदमी कामयाब हो जाएगा, आपके माइंड में नेगेटिव वायरस आएगा। अभी जैसे यहां पर बैठे हो, बड़ा मजा आ रहा है ना, आया ना। देखो जिनके दिमाग में नेगेटिव वायरस था, बाहर चले गए, घूम रहे हैं बाहर, वायरस आ गया ना। इस हॉल में बैठे बैठे भी वायरस आ गया ना, आपके माइंड में वायरस आएगा। किसी के माइंड में 2 दिन बाद आएगा, किसी के माइंड में 4 दिन बाद आएगा, किसी के माइंड में 5 दिन बाद आएगा, कोई 1 महीने में खाली हो जाएगा खत्म, कोई 1.5 महीने में छोड़ देगा। मालूम है क्यों? ये होना है, सृष्टि का नियम है मेरे दोस्त। आपने बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है जिंदगी की, बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है, और सृष्टि का नियम है कि सृष्टि हर चीज को बैलेंस करती है, अनबैलेंस नहीं होने देती। बैलेंस अगर दुनिया में लाइफ नहीं रहेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। समुद्र अगर पूरी दुनिया बन जाएगी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हाँ है ना। समुद्र नहीं होगा, सारी जमीन हो जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बारिश में बारिश, गर्मी में गर्मी, बर्फ में बर्फ, हाँ है ना। तो भगवान क्या करता है? कौन सा फल सर्दी में खाना वो सर्दी में होता है, कौन सा गर्मी में खाना है वो। तो परमात्मा क्या करता है? सृष्टि को बैलेंस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो इसी तरह ऊपर वाला इस दुनिया में गरीब आदमी भी रखेगा, अमीर भी रखेगा, मिडिल क्लास भी रखेगा, लोअर मिडिल क्लास भी रखेगा। क्योंकि यार अगर सब अमीर बन गए और कोई गरीब नहीं रहा, तो अमीर के घर में झाड़ू कौन लगाएगा? अमीर बन के आदमी क्या करेगा? उसकी गाड़ी कौन चलाएगा? होटल में बर्तन कौन साफ करेगा? ये बुके कौन पकड़ाएगा? माला कौन पकड़ाएगा? फिर तो मुझे बुके माला लेके आनी पड़ेगी। नाला गरीबी नहीं है कोई दुनिया में। अगर सभी अमीर बन गए तो खेतों में फसल कौन उगाएगा? हर किसान अरबपति खरबपति बन गया, डायरेक्ट सेलिंग कर ली सब किसानों ने, तो गेहूं चावल ही नहीं होंगे, तो साला पैसा खाएंगे क्या? किसान होना जरूरी है, गरीब होना जरूरी है, मिडिल क्लास होना जरूरी है। सृष्टि का बैलेंस खत्म हो जाएगा। अगर सभी अमीर बन गए तो कपड़ों के कारखाने में कपड़े कौन बनाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ये लड़ाई तुम्हारी तुमसे नहीं है, ऊपर वाले से है, उससे है। और उससे जीतना इतना आसान नहीं है, याद रखना। कोई ना कोई नेगेटिव वायरस तुम्हारे अंदर घुसेगा, वो घुसाएगा। क्योंकि भाइयों बात सुनो, अगर उसे तुम्हें अमीर बनाना होता तो टाटा अंबानी बिरला के घर पैदा कर देता, ये हमारे यहां आने की जरूरत नहीं थी, नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। अगर परमात्मा को अमीर बनाना होता है किसी व्यक्ति को, तो पहले ही उसका पैदाइश ही अमीर घर में होती है। हमें भगवान अमीर बनाना नहीं चाहता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब रखना चाहता था। हम धरती पे आए और हमने भगवान से ले लिया पंगा, मैं अमीर बनूंगा। भगवान बोला साले तू अमीर बनेगा, तू अमीर बनेगा। अगर मुझे तुझे अमीर बनाना होता तो मैं अमीर घर में पैदा कर देता। कोई नेगेटिव वायरस आएगा, किसी की मां बिगड़ेगी यहां से जाने के बाद, छोड़िए धंधा। किसी का बाप बिगड़ेगा, कोई खुद बिगड़ेगा, किसी की बीवी बिगड़ेगी, किसी का पति बिगड़ेगा। अल्टीमेटली परमात्मा आज के बाद याद रखना पूरी ताकत लगा देगा तुमसे ये बिजनेस छुड़वाने के लिए। नए नए परपंच करेगा, नई नई अपलाइन से नेगेटिव कर देगा, डाउनलाइन से नेगेटिव कर देगा, पूरी ताकत लगा देगा
तुम्हें इस धंधे से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अगर तुम अमीर बन गए उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। अब क्या होगा, तुम्हें एक बार गिराएगा तुम हार जाओगे, दोबारा गिराएगा फिर हार जाओगे, एक बार में नहीं हारे, तीन बार गिराएगा हार जाओगे। और जहां पर कौन जीतेगा सुन के जाना, जो बार बार गिरेगा बार बार उठेगा, बार बार गिरेगा बार बार उठेगा, बार बार गिरता रहेगा उठता रहेगा, गिरता रहेगा उठता रहेगा, एक दिन भगवान उसे दौड़ा देगा। फिर भगवान अपना सॉफ्टवेयर चेक करेगा, ये तो अमीर ही था, जल्दबाजी में गरीब बन गया। और आपको पॉजिटिव करके कामयाबी के रथ पे तोड़ा देगा। तो मेरे दोस्त ये एक जंग है, आसान नहीं है, पीढ़ी दर चली पीढ़ी दर चली पीढ़ी दर चली गरीबी को अमीरी में बदलना आसान नहीं है। जान लगेगी, जोर लगेगा, जोश लगेगा, जज्बा लगेगा, तभी आसान बनेगा। तैयार हो दुनिया जीतने के लिए? तैयार हो दुनिया जीतने के लिए? नेगेटिव वायरस आएंगे, जब जब आते हैं हंसना और कहना अच्छा भगवान अच्छा, नेगेटिव करना चाहता है। बस याद रखना मेरे दोस्त, नेगेटिव आदमी को कोई जिता नहीं सकता और पॉजिटिव आदमी को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तैयार हैं? तो और बहुत से लीडर्स को टाइम नहीं मिला होगा भैया बोलने का आप लोगों को, तो आपसे